धरती सोना उगले उगले हीरे। आ गई आ गई। जी हाँ कुलदीप भाई, अपनी चलती फिरती आटा चक्की लेकर के आ गए हैं आपके शहर, आपके गली, आपके मोहल्ले में। तो जल्दी से आ जाइए हमारी प्रचार गाड़ी के पास में और पिसवा करके ले जाइए गेहूं का आटा। जी हाँ, हमारी चक्की पर आपको बाजरा का आटा, गेहूं का आटा, ज्वार का आटा, सब आटा पीसा जा रहा है। तो जल्दी से अपना अनाज लेकर के आइए और पिसवा करके ले जाइए आटा ही आटा, पूरी शुद्धता के साथ में अपनी आंखों के सामने पिसवा करके ले जाइए। जी हाँ, अब आपको अपने अनाज की भारी मोटी गठरी लेकर के शहर जाने की आवश्यकता नहीं है, चक्की पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुलदीप भाई अपनी चलती फिरती चक्की लेकर के आए हैं आपके शहर, आपके गांव, आपकी गली, आपके मोहल्ले में आटा पीसने के लिए। जी हाँ, हर घर की जरूरत आटा, तो लेकर के आइए अपना अनाज और पिसवा करके ले जाइए आटा ही आटा। जाता है खुशियों के कमल मुस्कुराते। जी हाँ, सब घरों में काम आने वाला आटा। अब आपको आटा पिसवाने के लिए अपनी गठरी लेकर के बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं है, चक्की पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चलती फिरती चक्की अब खुद आ गई है आपके शहर, आपके गाँव में, आपकी गली में। जी हाँ, सीधे चले आइए, दाएं बाएं देख करके आइए, हमारी प्रचार गाड़ी के पास में आइए और आटा पिसवा करके ले जाइए। जी हाँ, अगर आपको अपने पशुओं के लिए दाना बनवाना है तो आप दाना बनवा करके भी ले जाइए, अनाज लेकर के आइए और मोटा दाना चूरा बनवा करके ले जाइए। जी हाँ, हमारी प्रचार गाड़ी पर आपको बिल्कुल बढ़िया आटा पीस करके दिया जा रहा है। आप गेहूं लेकर के आइए, मक्का लेकर के आइए, बाजरा लेकर के आइए, ज्वार लेकर के आइए और उसका आटा पिसवा करके ले जाइए। कुलदीप भाई लेकर के आए हैं अपनी चलती फिरती चक्की। जी हाँ, आटा पीसने वाली चक्की अब आ गई है आपके शहर, आपके गांव, आपके गली, आपके मोहल्ले में, आपके दरवाजे के समीप। अब आपको आटा पिसवाने के लिए बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से आ जाइए कुलदीप भाई की चलती फिरती आटा चक्की के पास में और आटा पिसवा करके ले जाइए पूरी शुद्धता के साथ में। जी हाँ, अपनी आंखों के सामने पिसवा करके ले जाइए बिल्कुल संतुष्टि के साथ में, शुद्धता के साथ में। हमारी आटा चक्की पर आटा पीसा जा रहा है, गेहूँ लेकर के आइए और आटा पिसवा करके ले जाइए। जी हाँ, आप गेहूं का आटा पिसवाइए, मक्का का आटा पिसवाइए, ज्वार का आटा पिसवाइए, बाजरे का आटा पिसवाइए। और अगर आपको अपने पशुओं के लिए दाना बनवाने की आवश्यकता है, चूरा बनवाने की आवश्यकता है, तो आप अनाज लेकर के आइए, उसका मोटा चूरा बनवा करके ले जाइए। जी हाँ, लोग नशे में झूमा करते हैं, लोग कदमों को चूमा करते हैं और कुलदीप भाई अपनी चक्की को लेकर के आपकी गलियों में घूमा करते हैं। तो कुलदीप भाई की चक्की के पास में लेकर के आइए गेहूं, ज्वार, बाजरा। जी हाँ, और बनवा करके ले जाइए उसका आटा, आटा पिसवा करके ले जाइए आप। जी हाँ, पौष्टिकता से भरपूर, शुद्धता से भरपूर, अपनी आंखों के सामने पूरी सफाई के साथ में आटा पिसवा करके ले जाइए कुलदीप भाई की चक्की के पास में आइए और पिसवा करके ले जाइए आटा ही आटा। आ गए आ गए। जी हाँ, कुलदीप भाई अपनी चलती फिरती आटा चक्की लेकर के आ गए हैं आपके शहर, आपके गली, आपके मोहल्ले में। तो जल्दी से आ जाइए हमारी प्रचार गाड़ी के पास में और पिसवा करके ले जाइए गेहूं का आटा। जी हाँ, हमारी चक्की पर आपको बाजरा का आटा, गेहूं का आटा, ज्वार का आटा, सब आटा पीसा जा रहा है। तो जल्दी से अपना अनाज लेकर के आइए और पिसवा करके ले जाइए आटा ही आटा, पूरी शुद्धता के साथ में अपनी आंखों के सामने पिसवा करके ले जाइए।
जी हाँ, अब आपको अपने अनाज की भारी मोटी गठरी लेकर के शहर जाने की आवश्यकता नहीं है, चक्की पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुलदीप भाई अपनी चलती फिरती चक्की लेकर के आए हैं आपके शहर, आपके गांव, आपके गली, आपके मोहल्ले में आटा पीसने के लिए। जी हाँ, हर घर की जरूरत आटा, तो लेकर के आइए अपना अनाज और पिसवा करके ले जाइए आटा ही आटा। जी हाँ, सब घरों में काम आने वाला आटा, अब आपको आटा पिसवाने के लिए अपनी गठरी लेकर के बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं है, चक्की पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चलती फिरती चक्की अब खुद आ गई है आपके शहर, आपके गांव में, आपकी गली में। जी हाँ, सीधे चले आइए, दाएं बाएं देख करके आइए, हमारी प्रचार गाड़ी के पास में आइए और आटा पिसवा करके ले जाइए। जी हाँ, अगर आपको अपने पशुओं के लिए दाना बनवाना है तो आप दाना बनवा करके भी ले जाइए, अनाज लेकर के आइए और मोटा दाना चूरा बनवा करके ले जाइए। जी हाँ, हमारी प्रचार गाड़ी पर आपको बिल्कुल बढ़िया आटा पीस करके दिया जा रहा है। आप गेहूं लेकर के आइए, मक्का लेकर के आइए, बाजरा लेकर के आइए, ज्वार लेकर के आइए और उसका आटा पिसवा करके ले जाइए। कुलदीप भाई लेकर के आए हैं अपनी चलती फिरती चक्की। जी हाँ, आटा पीसने वाली चक्की अब आ गई है आपके शहर, आपके गांव, आपके गली, आपके मोहल्ले में, आपके दरवाजे के समीप। अब आपको आटा पिसवाने के लिए बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, शहर में जाने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से आ जाइए कुलदीप भाई की चलती फिरती आटा चक्की के पास में और आटा पिसवा करके ले जाइए पूरी शुद्धता के साथ में। जी हाँ, अपनी आंखों के सामने पिसवा करके ले जाइए बिल्कुल संतुष्टि के साथ में, शुद्धता के साथ में। हमारी आटा चक्की पर आटा पीसा जा रहा है, गेहूं लेकर के आइए और आटा पिसवा करके ले जाइए। जी हाँ, आप गेहूं का आटा पिसवाइए, मक्का का आटा पिसवाइए, ज्वार का आटा पिसवाइए, बाजरे का आटा पिसवाइए और अगर आपको अपने पशुओं के लिए दाना बनवाने की आवश्यकता है, चूरा बनवाने की आवश्यकता है, तो आप अनाज लेकर के आइए, उसका मोटा चूरा बनवा करके ले जाइए। हाँ, लोग नशे में झूमा करते हैं, लोग कदमों को चूमा करते हैं और कुलदीप भाई अपनी चक्की को लेकर के आपकी गलियों में घूमा करते हैं, तो कुलदीप भाई की चक्की के पास में लेकर के आइए गेहूं, ज्वार, बाजरा। जी हाँ, और बनवा करके ले जाइए उसका आटा, आटा पिसवा करके ले जाइए आप। हाँ, पौष्टिकता से भरपूर, शुद्धता से भरपूर, अपनी आंखों के सामने पूरी सफाई के साथ में आटा पिसवा करके ले जाइए कुलदीप भाई की चक्की के पास में आइए और पिसवा करके ले जाइए आटा ही आटा।